में आता है कि जो प्राय जो भीड़ है ना, वो जो ऐसे मंदिरों में होती है कि जहाँ सारे देवी देवताएं, माता शिव जी भी जहाँ है, बजरंग बली भी जहाँ होंगे, राम जी भी होंगे, कृष्ण होंगे, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। लेकिन देखा जाता है जहाँ भगवान की एकनिष्ठ भक्ति है, वहां लोगों की वो संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो चैतन्य चरितामृत में बताया कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय, जो भगवान कृष्ण है वही क्या है, सिर्फ भगवान है, और आर सब प्रत्यय, प्रत्यय यानी सब उनके दास दासी हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो रुचि है क्या है, जगह जगह मंदिरों में सबके पास जाना है, कोई अप्रसन्न ना हो जाए। कुछ कोई बहुत सारे नए नए व्यक्ति जब भजन करने आते हैं, मठ में जुड़ते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, जब उन्हें बताया जाता है कि कृष्ण की भक्ति करनी है, भैया कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन तब भी उनके मन में एक संदेह होता है कि हम तो इतने समय से व्रत रख रहे हैं, देवी का व्रत रख रहे हैं, नव दुर्गा का, शनिदेव का भी व्रत रखते हैं, कभी कभी हनुमान जी का भी रखते हैं, तो क्या अगर वो हमने नहीं रखा तो क्या वो रुष्ट नहीं हो जाएंगे? हमारे घर में देवी की फोटो भी है, उनका क्या करेंगे? अब गुरु जी तो कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, भाई ठाकुर जी रखो, एकनिष्ठ भक्ति करो। अब हमने तो भैया बचपन से हमने रखे हुए शिव जी की मूर्ति भी है, मतलब व्रत भी रखे हैं, तो क्या करें क्या ना करें, हमारे मन में हमेशा संदेह रहता है ना। तो इस विषय में बताया एक श्लोक आता है गीता में, अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे न जयत पुरुषम परम, कि भैया एकमात्र भगवान कृष्ण की उपासना करो, चाहे तुम्हारी इच्छा है आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान कौन है, कृष्ण, सिर्फ उनकी आराधना करोगे तो ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बताया गया कि देव जो देवता है, इनका जो राजा है स्वर्ग में कौन है, देवराज इंद्र। इंद्र को भी हमने सुना है एक बार, गिरिराज जी की हमने कथा सुनी ना, इंद्र को भी अपने अंदर अहंकार हो गया था कि जो ब्रजवासी है क्या मेरी पूजा नहीं कर रहे, है ना। इंद्र के अंदर बड़ा अहंकार हो गया कि उसको जब उसके लोगों ने बताया कि इस बार ब्रजवासियों ने क्या करा, तुम्हारी पूजा ही नहीं की, किसी गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया और उसने क्या करा, गिरिराज जी के ऊपर वर्षा कर दी है, भयंकर क्रोध से पूरा बोला कि ब्रज को डुबो दो। लेकिन क्या क्या हुआ, भगवान ने उनका अभिमान चूर कर दिया एक सेकंड में। जब इंद्र को पता चला कि ब्रज में तो पानी पहुंचा ही नहीं, ब्रज की एक चीटी तक गीली नहीं हुई, ब्रज क्या डूबेगा, है ना, तो इंद्र का सारा अभिमान चूर हो गया। तो वहां भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, जब वो नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास जाके पूछने लगे कि बाबा ये बताओ ये क्यों, किसकी पूजा हो रही है, ये पूजा क्यों हो रही है, क्या करें? तो वहां नंद बाबा क्या बता रहे हैं कि हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तो वहां कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, ये इंद्र इतना बड़ा हो गया क्या कि जो ब्रजवासी सब इसका झूठा गाएंगे, ये ब्रजवासी इसका उचिष्ट लेंगे, इंद्र की इतनी बड़ी औकात है, इंद्र इतना बड़ा हो गया क्यों, क्योंकि वो पहले इंद्र को भोग लगाते थे, उसके बाद वो ब्रजवासी पाते थे। भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि इसमें बताता हूँ इंद्र को। तो सोचो इंद्र को भी कुछ नहीं समझा, इंद्र जो हम सोच रहे देव कौन है, देवराज, देवताओं के राज इंद्र है, स्वर्ग में सारे देवी देवता किसके अंडर में है, इंद्र के अंडर में है। तो भगवान ने सीधा क्या करा, उसी में प्रहार करा सबसे पहले। तो बताया गया कि हमें देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ के एकमात्र भगवान कृष्ण की ही अगर हम शरण में ग्रहण करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी एक छोटी सी कथा आती है, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन सुबह सुबह टहलने निकले, जब वो टहलने जा रहे थे तभी देखा उन्होंने गरीब दरिद्र ब्राह्मण। तो अर्जुन के मन में इच्छा हुई, ये जो ब्राह्मण है ना ये बड़ा दरिद्र है, क्यों ना मैं इसे माला माल कर दूं। तो उन्होंने भगवान देख रहे थे, भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में थोड़ा अहंकार आ गया है। तो वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने देखा कि भैया अर्जुन और भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और ब्राह्मण ने उसने देखा कि अर्जुन ने जो है उनकी राजवेशभूषा पहनी हुई है, और कृष्ण भगवान ने क्या पहना है, एक पीतांबर धारण किया है, सर में मुकुट धारण किया है। उन्होंने कहा भैया माल मिलेगा तो किसके पास मिलेगा, अर्जुन के पास ही मिलेगा। वो गया और सबसे पहले किसको प्रणाम किया, अर्जुन को, अर्जुन को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। भगवान सब देख रहे हैं, अर्जुन भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मेरा सम्मान हो रहा है। उन्होंने क्या किया, एक सोने की मोहर निकाली अपनी साइड में से और उस ब्राह्मण को दे दी, जा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न कि देखा मेरी तो आज सारी गरीबी दूर हो गई। उसने वो पोटली पकड़ी, तो जब उसको पोटली दी जा रही थी ना, तो कुछ डाकू थे वहां खड़े थे, उन्होंने देख लिया कि अरे अच्छा इसको सोने की थैली मिली है, अभी बताते हैं। वो डाकू ने क्या करा, उससे पहले जाके जंगल में जाके छुप गए, और वो बड़ा प्रसन्न होके जा रहा है कि भैया मैं तो
जो मेरे को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, मैं जमीन खरीदूंगा, उसपे एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा, उसका दूध बेचूंगा, खेती करूंगा, ये करूंगा, पूरे सपने सजा दिए उसने। और जब जाने लगा तो क्या हुआ, रास्ते में फिर डाकू आ गए। डाकू आए भैया है कोरोना का मास्क पहन के, 2 गज की दूरी बना के चाकू दिखा के बोल रहे भैया जो मारे दे दें। और वो भी डर गया भैया है क्या करे, उसने अपना सारा धन उनको दे दिया। बड़ा परेशान हुआ कि बड़ी मुश्किल से अपनी गरीबी दूर हो रही थी, थोड़ा धन मिला भी था, अरे भी क्या हो गया। अब वो वापस अपने घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा भैया क्या हुआ, तो उसने पत्नी को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा हो गया। पत्नी ने एक काम करो तुम दोबारा जाओ, उसने कहा ठीक है। अगले दिन दोबारा प्रातःकाल पहुंचा हुआ तो भगवान कृष्ण अर्जुन दोबारा वहां वॉक के लिए निकले सुबह सुबह, तो वहां देखा उन्होंने कि वही ब्राह्मण वही फटेहाल वही जैसे का तैसा। अर्जुन ने कहा भैया इसे कल ही तो उन्होंने 100 सोने की उंगली दी थी, इसका क्या हो गया है, अपने लिए सही से कपड़े भी नहीं खरीद सका गए है। तो वो जो गरीब ब्राह्मण था उन्होंने कहा कि महाराज मेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना हो गई और मैं वैसे का वैसे रह गया। वो जाके उसने दोबारा प्रणाम किया अर्जुन को, भगवान को नहीं, भगवान को नहीं किया, पहले अर्जुन को प्रणाम किया कि भाई अर्जुन तो अर्जुन ही मेरी गरीबी दूर कर सकता है। अर्जुन ने कहा यार मैं तो आज तो पैसे लाए नहीं। अर्जुन ने क्या करा, अपनी रत्न जड़ित अंगूठी निकाली बिल्कुल बहुमूल्य और उसको दे दी। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे तो मुझे क्या मिल गया इतनी बहुमूल्य नीलम जैसी अंगूठी है, इतनी बहुमूल्य अंगूठी, बड़ा प्रसन्न हो गया। और वो उसने कहा आज इस बार मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा, इस बार मैं थोड़ा दूर से घूमता हुआ जाऊंगा। तो बड़ा मनगर के रास्ते घूमते घूमते गांव के रास्ते रात हो गई काफी, घर पहुंचा तो देखा बीवी तो सो रही है। अब उसने कहा सुबह ही बताऊंगा बीवी को, सरप्राइज दूंगा मैं अपनी पत्नी को। उसने पास में घड़ा रखा था, सूखा घड़ा, काफी टाइम से जो यूज ही नहीं हुआ था, पड़ा रहता था, उसके अंदर उसने अंगूठी डाल दी और सो गया। अब जो सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि रोज तो घड़ा वहीं पे रहता था और आज घड़ा ही नहीं है, रोज तो घड़ा वहीं था पिछले 10 सालों से और आज ही घड़ा नहीं है। उसने ढूंढा बीवी का है, देखा पत्नी भी नहीं है, अब पत्नी भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है। और बड़ी देर बाद देखा तो पत्नी वही घड़ा सर में रख के ला रही है। और उसने बोला उतार इसको घड़े को जल्दी, उसने उतारा और पानी निकाला तो देखा तो कुछ भी नहीं। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोले पूछा ये बता तो पहले रोज तू दूसरा घड़ा ले आती थी, आज ही क्यों घड़ा ले गई। कह रही मैं तो रोज दूसरा घड़ा ले जाती थी, वो रास्ते में जा रही थी, पैर फिसल गया, घड़ा टूट गया, अब मैंने कहा घड़ा पड़ा है तो इसी को ले गई। अरे अरे सत्यानाश हो गया। पत्नी ने कहा क्या हो गया, कह रहे मुझे कल अर्जुन ने एक सोने की हीरे की अंगूठी दी थी, डायमंड की, बहुत बहुमूल्य, और मैंने उस घड़े में रखी थी। पत्नी ने कह रही अरे तो अनर्थ हो गया, मैंने तो भैया वो घड़ा पानी में डाला, वो डाला और वो क्या हुआ अंगूठी बह गई। उसने कहा अब तो सत्यानाश हो गया, अब क्या करें। अब पत्नी ने कहा एक काम करो भैया दोबारा जाओ तुम है। उसने कहा कि क्या करूं, पत्नी ने कहा एक काम करना इस बार भगवान को प्रणाम करना तुम पहले, तो हमेशा जाके अर्जुन को प्रणाम कर दो, भगवान को प्रणाम करना कृष्ण को। उसने कहा ठीक है चलो। कह रहे उनके पास तो कुछ है ही नहीं, पीताम्बर पहना रहता है और वह कम्बल ओढ़ी रहती है और सर में मोर मुकुट क्या देंगे मेरे को, उन्होंने तो हाथ में ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगवान को प्रणाम कर लेना। उन्होंने ठीक है मैं जाके प्रणाम को भगवान को प्रणाम करूँ। और वो आया अर्जुन ने देखा तो आश्चर्यचकित, फिर वही फटेहाल ब्राह्मण, ये भैया इसको पैसे भी दे दिए अंगूठी भी दे दी तब भी इसका ही हाल है। तो उन्होंने देखा तो ब्राह्मण आया और इस बार साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान को, प्रभु प्रणाम। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, चलो देर आया दुरुस्त आया, आया तो सही लाइन पे है ना, अभी हमारे यहाँ हालत भी वही है, सब जगह भटक रहे और जब कुछ नहीं मिलता अंतिम में वही आना पड़ता है। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब भगवान ने प्रणाम किया, भगवान समझ गए उसके मनोभाव का, भगवान ने जेब टटोलने क्या है। तो पहले क्या होता था कि कलावा बांधा जाता था हाथ में, तो उसमें एक सिक्का या कुछ बांधा जाता था, अभी भी देखते हैं पूजा के टाइम में ना कुछ बांधते हैं। तो भगवान के पास कुछ यज्ञ वज्ञ करने के बाद उन्होंने कुछ बांधा था, तो उसमें भगवान ने देखा तो उसमें एक दो कौड़ी का एक सिक्का, छोटे से पहले चलते होंगे जमाने में, आजकल के 50 पैसे 1 रुपए के बराबर। उन्होंने भगवान ने कहा कि मेरे पास तो यही है, लो ब्राह्मण के रहे हैं ये भैया, ये क्या दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो अर्जुन को ही प्रणाम कर लेता, क्या पता इस बार हमें नौरखा हार दे देता मुझे है, ये भगवान ने दे दिया है। अर्जुन भी बड़ा हो गया कि इसने आज तो मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरे पास नहीं आया आज, अर्जुन ने कुछ नहीं दिया। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान कि चलो कोई बात नहीं अब क्या करें। तभी उसने देखा एक मछुआरा आ रहा है आगे से, वो मछुआरा क्या है मछली पकड़ के ला रहा है। उसने देखा एक मछली है ना बड़ी छटपट 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 कर रही है, बड़ी छटपट कर रही है। तो ब्राह्मण था, भगवान के दर्शन करके आया था,
तो थोड़ा उसके अंदर दया भावना आ गई। उसने मछुआरे से कहा कि इस मछली को छोड़ दो, ये बड़ी तटपटी है, क्या पता इसके घर वाले इसका इंतजार कर लो, आप इसे छोड़ दोगे? तो मछुआरे ने कहा भैया मेरी तो जीविका इससे चलती है, मेरी रोजी रोटी इनसे चलती है, इसे कैसे छोड़ दूं? तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा भैया मेरे पास तो टूटा फूटा कमंडल है और हाथ देखा तो मेरे पास ये दो कौड़ियां, आप ये ले लो। मछुआरे ने कहा चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रहे हो, ब्राह्मण हो तुम, ये दो कौड़ी मेरे किस काम की, दे दो यही दे दो। तो उन्होंने उसको, जो भगवान ने उसको दो कौड़ी दी थी, वो उसको मछुआरे को दे दी और उस मछुआरे ने मछली को पकड़ा और उसके कमंडल में पानी भर के मछली डाल दी। जैसी मछली डाली तो थोड़ा सा आगे जाने लगा तो मछली के अंदर से आवाज आने लगी खटर खटर सी कमंडल में। उसने कहा देखा ये क्या? तो देखा तो उस मछली के मुंह में क्या था, वो अंगूठी मछली ने खा ली थी और उसके मछली के गले में फंस गई थी, वो इसमें छटपट कर रही थी। जब उसने उल्टा करके कमंडल में डाला तो हुआ क्या, वो कमंडल में आवाज आई गिरने की, तो देखा वो अंगूठी हुई। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कह रहा मिल गया जिसे ढूंढ रहा था, मिल गया। बड़ा नाचने लगा। अब वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, दो चार वैसे जो लोग थे ना वो सोच में पड़ गए, कह रहे ये तो वही ब्राह्मण है और आगे अर्जुन भी आ रहा है, भगवान भी आ रहा है, पीछे उनकी सेना आ रही है, लगता है इन्होंने हमें पहचान लिया, वही डाकू थे। कह रहे मिल गया, शायद इसको पता चल गया हम ही ने इसका डाका डाला था। तो वो जाके उस ब्राह्मण के पैर में गिर गया, भैया मत बताइयो हम तेरा पैसा लाके दे रहे हैं। फटाफट अपने दोस्तों को भेजा और सारा पैसा का पैसा उसको दे दिया और बोला हमारा भी ले लेकिन नाम मत ले। ब्राह्मण ने कहा वाह ये क्या हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था और अब मिल रहा है, तो जो पुराना था नहीं भी था वो भी आ गया। फिर ब्राह्मण धीरे धीरे अपने भगवान को धन्यवाद देता अपने घर चला गया। तो देखो इस कहानी से क्या बड़ी शिक्षा मिली कि अगर हम इधर उधर भटकेंगे ना, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी मिल जाए हमें वो हमारे किसी काम का नहीं। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे लाखों रुपए घर में आ रहा है, क्या है, सुख शांति नहीं है, सारा पैसा बीमारी में लग रहा है, सारा इधर उधर लग जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कम पैसे में भगवान का भजन कर रहे हैं और बढ़िया से घर चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, आराम से आनंद पूर्वक खा रहे हैं। क्यों? तो ये कारण है कि अभी क्या है, हम भटके हुए। तो जब तक हम एक मार्ग में नहीं आ जाएंगे ना, और उस मार्ग में आने से क्या है, सर्व सिद्धि प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो नहीं भी है ना वो तो चला भी गया वो भी प्राप्त हो जाता है। भगवान एक श्लोक में कहते हैं ना कि जो तुम्हारे पास उसकी रक्षा करते हो क्या है, जो उसके पास है उसकी तो रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो भी प्रदान करता हूँ। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इसलिए हमें हमेशा एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? ठाकुर जी की। तो ये बोल के अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा करते हुए विश्राम देता हूँ। देखो उन्होंने जो श्लोक बताया ना, उस श्लोक में बताया अकाम सर्व काम बाप मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे जजे तपस्व। इस श्लोक में ये बता रहे हैं, कुछ लोगों का धारणा है भैया कृष्ण को कौन भक्ति करते हैं, बोले जो निष्काम जिसको मुक्ति चाहिए संसार से वही भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं। लेकिन हम तो धन दौलत पुत्र परिवार बढ़िया घर दुकान वकान हमें चाहिए, कृष्ण तो नहीं देगा। कृष्ण क्या देते हैं, भक्ति और प्रेम और संसार चक्र से उधार कर लेते हैं। इसलिए हम तो धन दौलत जाए इसलिए लक्ष्मी पास में जाए, शंकर जी को पास में जाए, भैया दुर्गा को पास में जाए, गणेश जी को पास में जाए, हनुमान को पास में जाए, ये लोग जल्दी खुश हो गए सब चीज दे देंगे, लोग का ये धारणा है। लेकिन ये श्लोक में कहते नहीं ऐसे बात नहीं, कहते अकाम। अकाम मतलब होता है अगर तुम निष्काम हो, बोले सर्व काम वह, अगर तुम सब कुछ चाहते हो, बढ़िया दुकान मकान घर परिवार सब चाहते हो। मोक्ष काम, अगर तुम संसार से मुक्ति भी पाना चाहते हो, बोले किसको भक्ति करो, बोले भगवान कृष्ण को भक्ति करो, कृष्ण को भक्ति करो। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है तो उदाहरण देते हैं ध्रुव जी की बात देखो। ध्रुव जब भजन करने के लिए गया था, मुक्ति पाने के लिए नहीं गया था, संसार से उद्धार पाने के लिए वैकुंठ लोक के लिए नहीं गया था, वो इसलिए गया था
पिताजी का गोद में जब ध्रुव जी बैठने के लिए गए, उसकी विमाता ने डांट लगाया, तेरे को इतना साहस किसने दिया पिताजी गोद में बैठोगे? अगर पिताजी गोद में बैठना चाहते हो पहले भगवान को आराधना कर, मेरे कोख से जन्म लोगे तो तभी बैठ सकते हो। इसलिए उसको बड़ा दुख हुआ, दुख हो कर माँ के पास में आया तो मैया ने बोले ये पिता कब तक रहेगी, राज्य कब तक रहेगी, भगवान हरि का भजन कर, जिसकी गोद में एक बार बैठोगे कभी उतरने का जरूरत नहीं, पिता तुम्हें कितना प्यार लाड़ प्यार देगा, इससे करोड़ों गुणों लाड़ प्यार देंगे, ठाकुर जाओ भगवान को आराधना करो। उन्होंने माँ का आशीर्वाद लेकर गए और उन्होंने ठाकुर प्राप्त हुए, भगवत दर्शन हुआ। जब भगवत दर्शन हुए बोले वर मांगो, बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर किसको दिव्य रत्न मिल जाए, जगत में ऐसे कौन सा मूर्ख है जो कि कांच के टुकड़े को हैं, कांच के टुकड़े को कोई ग्रहण करेगा? इसलिए हमें तो दिव्य रत्न मिल गया जो बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, हैं? लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले मैं खुद देता हूँ। उन्होंने क्या दिया, बोले संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में 36 साल तक तुम राजा बनोगे, है 36,000 साल तक तो निष्कंटक रूप में राजत्व करोगे, तुमने ऐश्वर्य प्रभु दिए, उसके बाद में मेरे लिए तेरे लिए एक नया वैकुंठ बनाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगा ध्रुव लोग नाम से तेरे को याद करते रहेंगे, अभी भी हम याद करते ना ध्रुव तारा को याद करते हैं। इसलिए जगत का आनंद ठाकुर जी इतने दिया, जगत का वैभव किसी को इतना प्राप्त भी नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या दिया, चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्ति, इतने लाभ है। इसलिए भागवत में जिन जिन का कथा आती है, भरत महाराज राजा नहीं महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सबके सब महाराज नाम है, राजा नहीं, ये सबके सब महाराज है, राजा का भी ये राजा है ये महाराज है। कहते भैया भगवान की भक्ति करने से भगवान इसी जगत का इतने आनंद इतने ऐश्वर्य देते हैं। पहले सुदामा जी करीब रहे, लेकिन उसके बाद में क्या गया, सोने के महल, पूरा वृंदापुरी उन्होंने सोने के महल बना दिए ठाकुर जी, है पूरा पूरा महल बना दी। लेकिन ठाकुर देते हैं, लेकिन कब देते हैं, जब तुम पेट में हजम होगा। जैसे समझो दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, एक का पेट सही है लेकिन एक पेट खराब है, एक का शादी हो रहा है और एक पेट खराब है, लेकिन जो शादी हो रही है ना जिसको बढ़िया, उसको लड्डू कचौड़ी शाही पनीर मटर पनीर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए, जिसका पेट खराब है ना उसको क्या खिलाए, पतली पतली खिचड़ी खिलाए, डालिया उसको खिचड़ी खिलाए, क्यों बोले जानता है अभी इसका पेट में हजम नहीं होगा, और एक को लड्डू कचौड़ी क्यों खिला रहे, बोले इसका पेट में हजम। इसलिए क्यों भगवान हमारे माँ है ना, तमेव माता च पिता तमेव, इसलिए वो देते हैं। कहते ना भगवान जब देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके ठाकुर जी, जब देते हैं छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, हैं? लेकिन पहले इसलिए नहीं देते हैं, इसको बदहजम नहीं हो जाए, उसका अभिमान नहीं आ जाए, हैं? उल्टा पुल्टा काम में नहीं लगाए पैसा को, इसलिए ठाकुर जी पहले देते हैं, लेकिन परीक्षा करके ठाकुर तभी ठाकुर जी परीक्षा करके देते हैं। और इतना देंगे इतने देंगे ना जो भी हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी हम सोच भी नहीं सकते इतने ठाकुर देते हैं। इसलिए लेकिन दूसरे देवा देवी की पूजा करने से क्या होगा, एक उदाहरण दिया है, जैसे आप 100 रुपया लेकर किसी मेडिसिन दुकान में जाओ जहाँ पर जहर बिकता है, अब 100 रुपया दो दुकान नहीं बोले मेरे को 100 रुपया भी जहर देगा, वो क्या करेगा, देगा कि नहीं, दे देगा क्यों, क्योंकि उसको पैसा से मतलब है। लेकिन तुम अपना माँ के पास में जाओ बोले भैया मेरे को जहर दे, बोले क्या करोगे, बोले खाऊंगा भैया थप्पड़ मारे, बोले जहर भी खाने का जिले लड्डू खा रोटी खा सब्जी खा भैया देगी नहीं थप्पड़ मारेगी। फिर उसी तरह ये जो दूसरे दूसरे जो देवा देवी है ना जो दुकानदार है, लेकिन कृष्ण कौन है, नारायण राम कौन है, ये हमारी माँ है। इसलिए उसको पता है बच्चे का किसकी कल्याण, उसको पता है, इसलिए वो क्या करेगी बोले काम लागे कृष्ण भज पाए कृष्ण रस, काम है तो छाए प्रेम रस। कहते हैं
इसलिए यहाँ पर कहते आमी अज्ञा सही विज्ञा विषय करना दिवस हो चरणा मृत दिया विषय बुलाए। ठाकुर जी कहते भैया मैं पंडित हूँ थोड़ी बेकूफ मैं हूँ है, वो तो मूर्ख है, वो जानता नहीं ये क्या चीज है, इसलिए मैं उसको अपना चरण का अमृत दे करके उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं विषय भुला देता हूँ, उसको मैं विषय भुला देता हूँ। ठाकुर ठाकुर देंगे, लेकिन ठाकुर जी परीक्षा करके देंगे। लेकिन जो दूसरे दूसरे देवा देवी को उपासना की है, उपासना की, फिर देखो रावण ने अपना सर को कितना बार काट कर दे दिया था, शंकर जी को 10 बार उन्होंने सर को काट करके दे दिया, कितने कठोर उन्होंने तपस्या की, उसको दशानन कहते हैं ना रावण को, 10 बार सर को काट करके उन्होंने अर्पण कर दिया, वो दशानन है जिस लंका को ऐश्वर्य पाने के लिए, लेकिन क्या हुआ सब नष्ट हो गया। लेकिन विभीषण केवल एक ही काम किया, जब उन्हें रावण को समझाने के लिए गया, बोले माँ लक्ष्मी जगत जननी सीता है, क्यों ये लक्ष्मी को लेकर आया, जब प्रभु राम को वापस दे दो, उन्हें ठोकर मार दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया आकर के प्रभु राम की शरण में आ गए, तो प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। ठाकुर जी बोले लंकेश, क्या बोले लंकेश, बोले प्रभु मेरे को लंकेश कैसे कह रहे हो, लंकेश तो रावण है, लंकेश तो रावण, मेरे को लंकेश कैसे कहते हो, बोले जब तुमने मेरे शरण में आ गया ना मेरे चरण में, तो बोले शरणागति हो गए हो, जब तुमको ठुकर दिया उसको राज्य संपत्ति सब खत्म हो गया, तुम मेरे केवल शरण में आ गए, आज से तुम लंकेश है। सचमुच से उन्होंने क्या किया, उनको लंका के राज्य दे दिया, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए रावण को इतने साधन करना पड़ा, केवल प्रभु की शरण में आती वो संपत्ति अपने आप प्राप्त हो गई। इसी क्या देते हैं, जब केवल हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे ना, सारी संपत्ति का मालिक हम ही बन जाएंगे, क्यों, दुनिया का मालिक तो ठाकुर जी है, दुनिया का मालिक तो ठाकुर जी है ना, जब ठाकुर के पास में आ गए, जब उसको तुम बेटा बन गया, सारी संपत्ति का मालिक तो तू ही बनोगे, पिताजी के बाद में संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, बेटा ही तो बनेगा ना, उनका शरण में आना मतलब उनका बेटे रूप में स्वीकार कर दिया, ठाकुर जी आप मैं तुम्हारी संतान होकर सारी संपत्ति का मालिक तो आप ही वो करो। इसलिए यहाँ पर कहते भैया सब कुछ कामना वासना ले करके हो, नहीं तो कामना वासना छोड़ करके हो, अगर भक्ति करना तो किसको भक्ति करो, भगवान कृष्ण को भक्ति करो, राम को भक्ति करो, सब कुछ संपत्ति में अपने आप प्राप्त हो जाएगा, सारे संपत्ति में अपने आप तुमको ये संपत्ति सबके सब मिल जाएगी। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गीता में पद्म पुराण में भगवान कहते हैं दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरे विच आसुरस्तद् विपर्ययः विष्णु भक्त स्मृत देव आसुरस्त विपर्ययः। इसमें बता रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, देव और असुर। देव कौन होते हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके भक्त होते हैं, देव मतलब दिव्य है, और आसुरस्त विपर्ययः, और असुर होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। असुर लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं परंतु तत्वजा जानते नहीं, परंतु भक्त लोग भगवान को तत्वता जानते हैं और मानते हैं। असुर बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं, जैसे रावण असुर है, वो भगवान को मानता था,
उसको पता था कि राम भगवान है, परंतु तत्वता नहीं जानता था। दुर्योधन भी जानता था कि कृष्ण भगवान है, मानता था परंतु जानता नहीं था तत्वता। ऐसे ही एक कथा है, उसको मैं सुना रहा हूँ। एक गुरु और शिष्य थे। गुरु जो है नास्तिक था और शिष्य आस्तिक। अब सोचोगे गुरु नास्तिक और शिष्य आस्तिक कैसे कैसे संभव है। हमारे चार आचार्य हैं, उनमें से श्री रामानुजाचार्य, उनके बचपन का नाम था लक्ष्मण सेन, उनके गुरु कौन थे? यादवाचार्य। वो कौन थे? वो मायावादी थे। परंतु लक्ष्मण सेन कौन थे? भगवान के परम भक्त। ऐसे ही है। और इसने अपने शिष्य से कहा कि देखो, सब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, सबने भगवान के जहाँ भी देखो गुणों का वर्णन किया है। अनेक अनेक शास्त्र लिखे हैं, अनेक अनेक पुराण लिखे हैं, और हम भी एक नया पुराण लिखेंगे। उसमें भगवान के हम क्या करेंगे, दुर्गुणों का, भगवान में जो गुण नहीं है उनका, मतलब हम भगवान में जो दोष हैं उनका वर्णन करेंगे। अब अपने शिष्य से बोला कि देखो, एक खाता और पेन ले लो और हम चलते हैं भगवान के दोष ढूंढने, और उसमें तुम लिखते रहना, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। ऐसे ही वो निकल पड़े। अब किसी गांव से उड़ के जा रहे थे। आपने देखा हो गांव में जो क्या बोलते हैं देसी भाषा उनको, हमारे तो बिटोरा बोलते हैं, जो उंगली लगा करके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कद्दू की बेल लगा देते हैं, तोरी के घर वगैरह। उन्होंने कद्दू की बेल देखी लगी हुई। अब कद्दू कितना बड़ा होता है और बेल कितनी छोटी पतली सी होती है ना। और शिष्य से बोला, देखो भगवान ने ये गलती करी, ये सबसे बड़ा दोष है। देखो बेल तो इतनी पतली सी है और उस पर इतना बड़ा फल लगा दिया, ये दोष है, इसको नोट करो, इसको लिखो। अब शिष्य तो आस्तिक था, वो तो सब जानता है, उस पता है कोई बात नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो दोष लिख करके आगे बढ़े। फिर आगे पहुंचे एक बाग में देखा आम का बाग है। अब पेड़ कितना बड़ा होता है आम का? बहुत बड़ा। और आम कितना होता है? छोटा सा। बोले देखो, ये भी एक दोष है, पेड़ इतना बड़ा और आम इतना छोटा सा। बोले ये भी, इसको भी नोट करो, ये भी एक दोष है। अब जैसे ही वो ऊपर देख रहा था ना, तो ऊपर से एक आम टूट के गिरा और उसकी नाक पेर गया, नाक टूट गई उसकी। शिष्य बोला, गुरुजी पता चल गया आपको दोस्त का, शुगर मनाओ, यहाँ पे काशी फल नहीं था। अगर काशी फल होता तो क्या होता, अगर काशी फल होता तो क्या होता, कद्दू होता तो क्या होता यहाँ पे? तो भगवान का दोस्त ढूंढने चले हो। भगवान ने जो भी कुछ बनाया है वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना यही स्थिति होने वाली है। असुर लोग भी ऐसे ही करते हैं, वो एक्सेप्ट करते नहीं किसी भी चीज को। और तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, एज इट इज सबको एक्सेप्ट करते हैं। अभी जैसे ठंड पड़ रही है, भक्त लोग क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी चलो जैसे भगवान की इच्छा है, ठंड पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और असुर क्या करेंगे, ये देखो भगवान ने सर्दी गर्मी ये वो सब क्या क्या कर रखा है, ठंड में मरते रहते हैं, गर्मी में मरते रहते हैं, ऐसे करके ये भगवान ने पद्म पुराण में वर्णन किया। असुर लोग हैं उनकी क्या गति होती है, और जो देव हैं भक्त हैं उनकी क्या गति होती है। जो देव हैं भगवान के भक्त हैं, वो तो उनके लोग चले जाते हैं, भगवान को अपने लोग बुला लेते हैं, अपने लोग में बुला लेते हैं। और जो असुर लोग हैं उनका क्या करते हैं, उसके लिए गीता में बताया, आश्रम योनिम आपन्न मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य कौनते ततो यान्ति अधमाम गति। जो असुर लोग हैं वो क्या एकदम मूढ़ होते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। वो क्या, उनको क्या करते हैं भगवान जन्म 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 जन्मांतर उनको क्या करते हैं, अधमाम गति, वो उनको प्राप्त, भगवान को प्राप्त नहीं करते। जन्म जन्मांतर क्या करते हैं, उनको अधोगति प्राप्त करा देते हैं। अधोगति मतलब नरक जैसे लोगों में उनको भेज देते हैं। तो ये असुरों की गति होती है। और देव की, जो देव हैं भगवान के भक्त हैं उनकी गति, वो भगवान के धाम चले जाते हैं,
बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा करता हूँ जिसके पास हम लोग प्रवेश करना भागवत ना कुछ अज्ञान ज्ञान से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुवेश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त हरिकथा श्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में रहते हैं उनके प्रणाम। हम गतकल श्रवण कर रहे थे श्री भागवतम के अंतर्गत वेणुगीत, और शुभदेव गोस्वामी वेणुगीत से पूर्व किस प्रकार शरदकालीन ऋतु का वर्णन करते हैं हमने उस विषय में कुछ श्रवण किया था। यद्यपि वृंदावन भूमि हम सुन रहे थे किस प्रकार मधुर लीला के लिए पूर्ण रूप में सुसज्जित है, और मधुर लीला ही नहीं वहां पर तो सभी रसों का समावेश है, लेकिन जब शरद ऋतु का आगमन हुआ है उस समय पर वृंदावन की शोभा और बढ़ गई है। किस प्रकार सारे सरोवर अभी जलाशय और सब चीज भर चुके हैं पानी से, और उसके अंदर लहरें एक दूसरे के प्रति अनुधावित होती होती मानो क्रीड़ा कर रही हैं। वृंदावन में हरी घास का गलीचा सब बिछ गया है, सारे पुष्प सुसज्जित रूप में वहां पर खिले हुए हैं, सारे वृक्ष भी नए नए कोपलों और पत्तों से खिले हुए हैं, वहां पर फल लगे हुए हैं। और उस पर भी जब कृष्ण को हम सुन रहे थे किस प्रकार कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ में वृंदावन भूमि में गौचारण लीला के लिए प्रवेश किया, तो कृष्ण को आता हुआ देखकर वृंदावन और आनंदित हो गया। जब इतनी सुंदर सुंदर पुष्प वहां पर प्रस्फुटित हुए हुए थे उनकी सुगंध से सारा वृंदावन इतना सुगंधितमय हो गया, और मानो वो पुष्प की सुगंध सभी भ्रमरों को आमंत्रित कर रहा है मधुपान करने के लिए। सारे भ्रमर भी झुंड के झुंड में आकर और वहां पर आकंठ मधुपान कर रहे हैं। मधुपान करते करते वहां पर ऐसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो वन भूमि के अंदर जब कृष्ण का प्रवेश हुआ है तो उससे वन भूमि ने ही वन देवी ने साक्षात अनगिनत वीणा ले ली और उन वीणा से कृष्ण का स्वागत कर रही है। श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रज भूमि बड़ी, कृष्ण को यहाँ पर कहा है मधुपति, मधुपति अर्थात जो बसंत ऋतु के सेवनीय है, तो यद्यपि वृंदावन भूमि के सारे ऋतुए कृष्ण सेवा के लिए ही विराजमान है, लेकिन तब पर भी वहां पर बसंत ऋतु और ये शरद ऋतु विशेष करके कृष्ण की सेवा करती है, और कृष्ण के आगमन से वृंदावन की इतनी अपूर्व शोभा हुई है इसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मधुपति अर्थात कृष्ण तो पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, अभी बसंत ऋतु वो कृष्ण की पत्नी है, मधुपति है कृष्ण, तो इसलिए उनकी सेवा के लिए इतना सुंदर परिवेश जो वृंदावन में हुआ है तो इसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह साधारण ही है। कृष्ण ने जब वन में प्रवेश किया था उस समय पर कृष्ण ने क्या किया, त्रिभंग ललित स्वरूप में एक कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर और अपनी नील कमल की पंखुड़ियों के समान अपनी उंगलियों को वेणु के ऊपर रख के और सुंदर वेणुनाद किया, और इस वेणुनाद की ध्वनि केवल मात्र ब्रज में ही नहीं रही, केवल मात्र वन में ही नहीं रही अपितु समीर की तरंगों पर नाचते नाचते सीधा ब्रज के हर एक घर घर में पहुंच गई, और हर एक घर घर में जाकर वहां पर जो ब्रजवासी थे ब्रजवासियों के कर्ण के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर गई। और हृदय में प्रवेश करने के साथ क्या हुआ, कहते हैं स्मर वेगे न, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके हृदय में ब्रजवासियों के हृदय में सबके हृदय में कृष्ण के प्रति एक न एक भाव है, किसी का सख्य भाव है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का मधुर भाव है, और जीवंत लोगों की तो बात ही छोड़ दो, जो वहां पर स्थावर जंगम जो पशु पक्षी है उनका भी कृष्ण के प्रति बड़ा एक सुंदर भाव है, वहां की जो सारी गैया है गैया का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए जब गैया ने कृष्ण की वेणु ध्वनि श्रवण करी उस समय पर उनके स्तन से अपने आप ही दूध शरित होने लगा और उस दूध से वृंदावन भूमि वहां पर ब्रज भूमि प्लावित हो गई। जब वही वेणु ध्वनि वृक्षों के पास में गई यमुना के पास में गई तो यमुना ने भी अपनी गति अवरुद्ध कर ली,
बड़ी ही विचित्र गति से यमुना बहने लगी। जब उस समय पर वही वेणु ध्वनि ब्रज गोपियों के कान में गई, विशेष करके वात्सल्य भाव वाले जो भक्त हैं उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ा, जो सख्य भाव वाले भक्त हैं उनके हृदय में सख्य भाव का प्रादुर्भूत हुआ। लेकिन जो मधुर भाव की ब्रज गोपियां हैं, इन ब्रज गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति तो विशेष अनुराग है ही, क्योंकि ये उनका नित्य अनुराग है। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको कृष्ण से प्रेम करना सिखाया है। ब्रज गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव है वह नित्य है, अर्थात जन्म से ही है, और विवाह होने पर भी ऐसा नहीं कि वो कम हो गया हो। यद्यपि उनका विवाह किसी और गोप से हुआ है, लेकिन तब पर भी उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह उन्होंने छिपा कर रख रखा था। गुरुवर्गों की लज्जा, समाज की लज्जा और सारी इन बंधनों के कारण यद्यपि वे प्रकाशित नहीं करती, लेकिन तब पर भी उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक अपूर्व भाव है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे वृष्टि के समय पर जब बारिश होगी, बारिश के समय पर आकाश के काले काले मेघ देखकर जब गर्जन शब्द होता है, उससे क्या होता है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसकी जो आगे मेला भूमि होती है उसको प्लावित कर देती है। अर्थात बारिश के समय पर देखना, जैसे ही मेघ गर्जन होते हैं उस समय पर समुद्र और उछलने लगता है, उछलते उछलते आसपास की सारी भूमि को जलमय कर देता है, सारी भूमि को प्लावित कर देता है। उसी प्रकार आज जब नव जलधर मेघ स्वरूप श्री कृष्ण ने अपनी वेणुनाद करी, तो ये वेणुनाद मानो साक्षात बादलों का स्वर ही है, और उसको श्रवण करके ब्रज गोपियों के हृदय में जो भाव सिंधु था, जो ब्रजवासियों के हृदय में भाव सिंधु था, उसने पूरे पूरे शरीर को प्लावित कर दिया, समस्त इंद्रियां उसमें निमज्जित हो गई और समस्त ब्रज गोपियां कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप का स्मरण करने लगी। अभी उनको यद्यपि लज्जा के कारण उन्होंने अपने भाव को छिपा कर रख रखा है, सबके सामने कृष्ण से प्रेम करती है, इस चीज को व्यक्त नहीं कर रही, लेकिन तब पर भी कृष्ण की वेणुनाद श्रवण करके विवश हो गई। और विवश होकर उन्होंने क्या किया, अपनी समस्त जो स्वजातीय सखियां थी, स्वजातीय सखियों के पास में चली गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्वर्णे तुम आरब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टिताम नाशकं स्मर वेगेन वर्णयन्त्य धीरे धीरे। कह रहे हैं कि कृष्ण की उस वेणुनाद को श्रवण करके वो अपनी हृदय के भाव को और कंट्रोल नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, और अपनी सजातीय गोपियों के समक्ष जाकर कृष्ण की उन सुंदर चेष्टाओं का वर्णन करना चाहती है। कृष्ण की क्या चेष्टाएं, किस प्रकार कृष्ण का सुंदर वेणुनाद है, किस प्रकार कृष्ण वहां पर ब्रज सखाओं के साथ में और गोचारण के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप का वर्णन करना चाहती है। लेकिन किस तरह से, परोक्षम कृष्णस्य नाशकं, परोक्षम परोक्ष रूप में, अर्थात स्पष्ट रूप में नहीं, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है ये स्पष्ट रूप में नहीं वर्णन कर रही, परोक्ष रूप में। परोक्ष रूप का क्या अर्थ हुआ, कहते हैं कि उनकी बातों से, उनकी भावभंगी से इस तरह वर्णन कर रही है मानो जैसे उनकी बातों कुछ और ही अर्थ निकल जाए। कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों का जो प्रेम है स्पष्ट रूप में ना वर्णन करके इस तरह से कह रही है कि उसका कुछ और ही अर्थ निकल जाए। और विशेष करके जब कृष्ण के बारे में वर्णन करने ही जा रही थी, उसी समय पर कृष्ण का सुंदर स्वरूप उनके मुख में, उनका उनकी आंखों में चित्रण हो गया, और इस वजह से और कुछ वर्णन ही नहीं कर पाई। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनके सुंदर स्वरूप का स्मरण करके, उनकी चेष्टाओं का स्मरण करके और वर्णन करने में असमर्थ हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही, मौन हो गई, केवल मात्र उस रूप का दर्शन कर रही है, उसी का आस्वादन कर रही है, उसी को मरीमन चिंतन कर रही है, ऐसा उनकी दशा हो गई। लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस गीत का वर्णन कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं, सुखदेव गोस्वामी सब चीज जानते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उस समय पर वहां पर सब चीज को लीला दर्शन कर रहे हैं, और कृष्ण का क्या स्वरूप ब्रज गोपियों के मानस पटल पर स्फुरित हुआ वो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, इसलिए उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण का क्या सुंदर स्वरूप था। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशयम वैजयंतिं चमालां रंध्रार वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस् गीतकीर्ति। कहते हैं कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप ब्रज गोपियों के समक्ष उपस्थित हुआ, जो उन्होंने स्मरण किया, उसका सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा पीड़म, कृष्ण ने बड़ा सुंदर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है। इस श्लोक की बड़ी विस्तृत व्याख्या है और हम पहले भी काफी बार श्रवण कर चुके हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में कह देता हूँ। बरहा पीड़म अर्थात कृष्ण ने मयूर पुच्छ धारण कर रखा है,
कृष्ण ने मयूर पुच्छ क्यों धारण कर रखा है, उसके कई सारे कारण टीकाकार लोग वर्णन करते हैं। एक समय पर कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के साथ में बरसाना श्री गैवर वन में थे, तो वहां पर एक स्थान है मोरकुटी। गए हो आप लोग? कौन कौन गया है बरसाना? मोरकुटी वहां पर देखोगे ऊंची, जहां पर गैवर वन है वहां पर मोरकुटी है। एक समय कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मेरे रूप का, मेरे मुखचंद्र का कुछ वर्णन करो, मैं कितनी सुंदर हूँ मेरे रूप का कुछ वर्णन करो। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण उस समय पर वर्णन करते करते कहने लगे चंद्रानी। लेकिन जब कह रहे थे उस समय पर पहले बोला चंद्रा, उसके बाद में बोला आननी, चंद्रा बोला और कुछ थोड़ा रुक गए। तो जैसे ही कृष्ण ने बोला चंद्रा, तो चंद्रा सुनते ही तो श्रीमती राधा रानी को लगा कि क्या इनको चंद्रावली का स्मरण हो रहा है। राधा रानी जैसे ये बात सुनी चंद्रानी, वो तो बिगड़ गई, बोले ओ आप हो तो मेरे साथ में लेकिन स्मरण कर रहे हो चंद्रावली का, बोले सच में आप लंपटनी हो, आप चले जाओ, मैं आपसे और बात नहीं करना चाहती। और श्रीमती राधा रानी मान करते हुए एक कुंज में प्रवेश कर ली। लेकिन कृष्ण वहां पर वर्णन कर रहे थे चंद्रानी, चंद्रानी अर्थात वहां पर पूर्ण चंद्र जो आकाश में था, उस आकाश को देखकर श्रीमती राधा रानी का मुख भी उस आकाश के समान है। कृष्ण के हृदय में क्या भाव था कि जिस प्रकार आकाश का चंद्रमा सभी को शीतलता प्रदान करता है, सभी को जैसे दोपहर की धूप से सब तप्त हो जाते हैं, तो उस समय पर जैसे रात में चंद्रमा आविर्भूत होता है तो उसकी शीतल छटा से सब ठंड, सबको शीतलता प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार कृष्ण के हृदय का भाव था कि श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके भी मेरे हृदय को ही नहीं सभी को ही शीतलता प्राप्त होती है। इस भाव से कृष्ण ने कहा था चंद्रानी, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो उसका विपरीत अर्थ लेने लगी कि आप मेरी तुलना चंद्रमा से करते हैं, चंद्रमा के ऊपर तो देखो दाग है, क्या मेरे चेहरे पर भी उस प्रकार दाग है, क्या मेरा रूप भी उसी प्रकार है। चंद्रमा देखना पूर्णिमा से जब अमावस्या आती है तो वो क्षय होता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, धीरे धीरे फिर उसका घटने लगता है, घटते घटते और अमावस्या के दिन पूरा काला अदृश्य हो जाता है। क्या मेरा रूप भी उसी प्रकार है, क्या मेरा सौंदर्य भी क्षय होता है, क्षय धीरे धीरे कम होता है और फिर वापस बढ़ता है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने तो मान कर लिया। मान करके जब कुंज में प्रवेश कर गई तो कृष्ण को अभी मनाना है। ललिता जी से प्रश्न किया, बोले आप बताओ हम कैसे श्रीमती राधा रानी को मान दूर करें, कैसे इनका मान भंजन किया जाए। उसी समय पर ललिता जी ने कहा कि तुम एक मयूर का रूप धारण करो, राधा रानी को मयूर का नृत्य बड़ा पसंद है। तो वहां पर कृष्ण ने एक मयूर रूप धारण करके और जहां सारे मयूर नाच रहे थे वहीं पर कृष्ण भी जाकर नृत्य करने लग गए। बड़े थिरक थिरक के पंख फैला फैला के कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी देख रहे हैं कि सारे मयूर तो एक तरह का नृत्य कर रहे हैं लेकिन ये एक मयूर है, ये बड़ा विचित्र तरह का नृत्य कर रहा है, क्या चक्कर है। ललिता जी से पूछा, बोले ललिता ही कौन है, ये मयूर का नृत्य देखकर तो मेरा मन इतना आकृष्ट हो रहा है और सभी मयूर तो एक तरह का नृत्य कर रहे हैं लेकिन ये एक विशेष तरह का नृत्य कर रहा है, ऐसा क्यों। बोले ये और कोई नहीं, ये साक्षात कृष्ण ही है, ये तुम्हारा मान भंजन करने के लिए मयूर रूप धारण करके और आए हैं। तो उस समय पर श्रीमती राधा रानी ने भी मयूरनी का रूप धारण किया और वहां पर दोनों कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों ने वहां पर मिलकर मयूर नृत्य किया है। तो इसीलिए वो स्थान का नाम है मोरकुटी। बोलो श्री मोरकुटी की, श्री गहवर वन की, श्री बरसाना धाम की। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी ने भी कभी मयूर रूप धारण किया था, वो कृष्ण को बड़ा प्रिय है तो कृष्ण इसीलिए मयूर धारण करते हैं, मयूर पुच्छ धारण करते हैं अपने सिर पर। और एक कारण बताते हैं कि ये मयूर ब्रह्मचारी है, आप जो मयूर और मयूर के अश्रु का पान करके ही मयूरी गर्भ धारण करती है और कृष्ण को ब्रह्मचारी बड़े प्रिय है। ब्रह्मचारी जो निष्काम होते हैं, ब्रह्मचारियों के हृदय में और कोई वासना नहीं होनी चाहिए, जो निष्काम भाव से एकमात्र कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, उस मयूर पुच्छ को अपने सिर पर धारण कर रखा है। इस प्रकार अनेक अनेक कारण बतलाए इसके पीछे। तो कहते हैं बरहा पीड़म, फिर कह रहे हैं नटवर वपु, कृष्ण का नटवर वपु, कृष्ण का सुंदर नटवर स्वरूप है। जब कृष्ण सखाओं के साथ में वेणुनाद करते करते, गौचारण करते करते जब वन की ओर प्रवेश करते हैं, अभी गोपियां असमंजस में पड़ गई हैं कि कृष्ण का स्वरूप किसी नटवर के समान है ना, कृष्ण स्वयं ही साक्षात नटवर स्वरूप है। साधारणतः ऐसा होता है कि किसी से जिससे तुलना की जाती है तो वो तुलना जिसे उसे कहते हैं उपमेय और जिससे तुलना करते वो उपमा, तो एक उपमेय श्रेष्ठ होता है। जैसे किसी को कहो कि तुम्हारे हाथ तो एकदम कमल के समान है, तो कमल ज्यादा सुंदर है उसके हाथ की बजाय, किसी श्रेष्ठ वस्तु से तुलना करते हैं।
लेकिन ब्रज गोपियां मन ही मन विचार कर रही है कि कृष्ण को यदि हम नटवर वपु कहें तो इस क्योंकि जगत में ऐसा कौन नटवर होगा जिसकी तुलना हम कृष्ण के साथ में करें। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की। तो गोपियां मन ही मन चिंतन कर रही है कि ऐसा कौन नटवर होगा जिसकी तुलना हम कृष्ण के साथ में कर सके। शिव जी का एक नाम है नटराज, क्योंकि नृत्य कला में बड़े निपुण है। लेकिन उन नटराज के भी गुरु, उन नटराज के भी पति है श्री कृष्णचंद्र, इसलिए उनका नाम है नटवर, इसलिए नटवर है। तो ब्रज गोपियां मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हम किससे इनकी तुलना करके इनको नटवर कहें, क्योंकि इनके समान और सुंदर नटवर तो और कोई है नहीं। क्योंकि जब ये वन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण वन में प्रवेश करते करते सखाओं के साथ में बड़ी नृत्य भंगिमा से चलते हैं, उनके चरण इतने इधर उधर पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो नृत्य कर रहे हैं। विशेष करके वृंदावन भूमि की तो शोभा है ही, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी च प्रिय सखी। वृंदावन धाम में तो यद्यपि कोई साधारण रूप में भी चल रहा हो तो ऐसा लगता है कोई नृत्य कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो तो ऐसा लगता है कि गान गा रहा हो। तो इसीलिए वृंदावन की तो ऐसी शोभा है ही, लेकिन तब पर भी कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते हैं बड़े नाचते नाचते सखाओं के साथ में, उनके चरणों में जो नुपुर पहन रखे उन्होंने, उन मणियुक्त नुपुर के घुंघरू भी बड़े सुंदर रूप में नृत्य करते हैं नटवर रूप में। उन्होंने जो पीताम्बर पहन रखा है वो सुंदर पीताम्बर भी वहां पर नृत्य करता है। उन्होंने कमर में जो करदनी पहनी है वो करदनी के मोती भी रुंझन करते हुए नृत्य करते हैं। गले में वैजंती माला धारण कर रखी है वो वैजंती माला भी नृत्य करती है। उनके कानों में जो कुंडल है वो कुंडल भी दोलायमान होते होते नृत्य कर रहे हैं। चेहरे पर जो अलकावली आ रही है वो केश की अलकावली भी नृत्य कर रही है। कृष्ण की अंगुलियां जो उन्होंने वेणु के ऊपर धारण कर रखी है वो अंगुलियां भी सुंदर रूप में नृत्य करती करती वेणुनाद कर रहे हैं। अरे सखी, इन सब को दर्शन करके और वहां पर जो स्थित पशु पक्षी स्थावर जंगम वृक्ष की लताएं सारे सब नृत्य भंगिमा में विराजमान है, इसीलिए नटवर वपुहु, कृष्ण और कोई नटवर के साथ तुलनात्मक नहीं है, कृष्ण स्वयं ही नटवर होकर विराजमान है, इसलिए ब्रज गोपियां कहती है नटवर वपुहु। फिर कहते हैं कर्णिक कर्णयो कर्णिकारम। कृष्ण ने दोनों कानों में से किसी एक कान में कनेर का पुष्प धारण कर रखा है। कनेर पुष्प देखा है, कनेर पुष्प किस तरह से, कनेर पुष्प यद्यपि रहता है इस पृथ्वी पर लेकिन उसका मुख ऐसे खुला हुआ होता है और मुख उसका किसकी ओर होता है, सूर्य की ओर। तो कृष्ण नटवर वपु है और साथ साथ में ये कनेर पुष्प किसी एक कान में धारण करते हैं, क्या कारण है उसका। कहते हैं कि जिस प्रकार एक कनेर का पुष्प पृथ्वी पर स्थित रहने पर भी सूर्य की ओर अभिमुख होकर और सूर्य की दिशा के साथ 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 अपनी गति बदलता है, उसी प्रकार जब कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं तो गौचारण के लिए जाते हुए ब्रज गोपियां अट्टालिकाओं की खिड़की से झरोखों से कृष्ण को देखती हैं। तो कृष्ण भी मानो उस कनेर पुष्प को धारण करके उसका अभिमुख अपनी ब्रज गोपियों की ओर संकेत करते हुए उनके प्रति अगाध प्रेम दिखाते हैं कि देखो। और दूसरा कारण बताते हैं कि ये कृष्ण अपनी किशोर वयस का अल्लड़पन दिखा रहे हैं। किस प्रकार, जब किशोर वयस में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो बड़ा अल्लड़पन उसके अंदर आ जाता है। कृष्ण के हृदय में निश्चित रूप में कोई ना कोई भाव तो होगा ही, क्योंकि जब वे वेणुनाद करते हैं उस वेणुनाद के श्रवण से ब्रज गोपियों के हृदय में भाव उच्छलित होता है। लेकिन कृष्ण क्योंकि रसिक शेखर हैं तो कृष्ण के हृदय में भी निश्चित रूप में कोई ना कोई भाव होगा ही, और विशेष करके अभी पौगंड वयस से केशोर वयस के अंदर प्रवेश करते हुए संधि का जो प्रकाश है उस पर भी ब्रज गोपियां जब गौचारण के लिए जा रहे हैं तो अट्टालिकाओं से उनको तिरछी नजर से देखती हैं, वृंदावन की अपूर्व शोभा है, तो इन सबको देखकर निश्चित रूप में कृष्ण के हृदय में भी कोई ना कोई भाव होगा ही। तो इसीलिए एक कान पर वो कनेर पुष्प धारण करके और ब्रज गोपियों को संकेत देते हैं कि आज इस तरफ मैं गौचारण के लिए जा रहा हूं, आज इसी तरफ हमारा मिलन होगा, इसलिए कर्णयो कर्णिकारम। फिर कहते हैं विप्रदवास कनक कपिशयम। कृष्ण ने सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है, उनके श्याम अंग कांति पर पीताम्बर बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। पीताम्बर क्यों धारण करते हैं, कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति एक तपे हुए सोने के समान है, और क्योंकि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रिय है तो इस भाव से कृष्ण उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं। पीताम्बर कृष्ण इसी स्वरूप में धारण करते हैं और कृष्ण का वो सुंदर स्वरूप देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो नव जलधर स्वरूप कृष्ण का अंग कांति और उस पर जैसे बिजली कड़कती है,
आकाश में जिस प्रकार काले काले मेघ जलयुक्त बादल छा जाते हैं और उसमें बिजली कड़कते हुए कितनी सुंदर शोभा होती है, ऐसे ही कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। उनकी अंग कांति तो एक जलयुक्त मेघ के समान, कुछ श्याम वर्ण की और पीताम्बर मानो जैसे बिजली चमक रहा हो। इसलिए बिभ्रद वास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम, कृष्ण बड़ी सुंदर वैजयंती माला धारण करते हैं जो कि घुटनों तक है। ब्रज गोपियां पांच तरह के पुष्प देकर वो वैजयंती माला को बनाती है। और रंध्रान वेणुर अधर सुधयन पूरयन गोप वृंदे, कहते हैं कृष्ण उस समय पर वेणु धारण कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। कृष्ण वेणु को क्यों बजाते हैं? कहते हैं वेणु यद्यपि सद कुल में जन्म लिया है, वेणु ने बांस कुल में जन्म लिया है और अंतर सार शून्य भी है, बड़ी सरल भी है, तभी जाकर कृष्ण का संग भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण उसको परिपूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं। वेणु के अंदर कई सारे छिद्र हैं, कई सारे छेद हैं ना, तो यद्यपि देखा जाता है छिद्र अर्थात दोष, तो यद्यपि देखा जाता है संसार में कई सारे छिद्रवान व्यक्ति हैं, कई सारे दोषवान व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण सभी को परिपूर्ण करने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन इस वेणु पर देखो कितनी विशेष कृपा कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं अपनी उंगलियों के माध्यम से उस वेणु के छिद्रों को अवरुद्ध करके और जब अपनी अधर सुधा को उसके अंदर फूंकते हैं तो उसको परिपूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अंतर सार शून्य है इसके कारण यह वेणु भी लाभान्वित नहीं होता। कृष्ण का संग प्राप्त करने पर भी, कृष्ण का संग प्राप्त करने पर भी क्या हुआ, उसके अंदर ये छिद्र है, उसके अंदर ये दोष रह गए। तो यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं कि किसी का देखा जाता है बड़ा ही सरल स्वभाव भी है, बड़ा सरल स्वभाव है जिसके कारण उसको श्रेष्ठ संग भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन तब पर भी क्योंकि अंतर सार शून्य है अर्थात हृदय के अंदर कुछ भी सार वस्तु ग्रहण नहीं करते, इसके कारण सत्संग प्राप्त होने पर भी, श्रेष्ठ संग प्राप्त होने पर भी लाभान्वित नहीं हो पाते। इसीलिए वेणु को मानो कृष्ण यहाँ पर पूरयन गोप वृंद, कहते हैं रंध्रान वेणु पूरयन, अपनी अधर सुधा से कृष्ण उस वेणु को परिपूर्ण कर रहे हैं। और विशेष करके जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं उसका इतना दिव्य प्रभाव होता है, स्थावर जंगम को भी वो वहां पर प्लावित कर विगलित कर देता है। और रूप गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि वेणु का इतना प्रभाव है, रुंधनम्भो भूतश्चमत्कृति पर कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरुम ध्यानाद अंतर्यन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम उत्सुक्यावलि विरवलि चटुलयन भोगेन्द्रम आधुर्णयन भिंदन अंडकटा त्रिभित्तिर्मावतो विभ्राम वंशी ध्वनि। श्री विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण जब वेणुनाद करते हैं तो कहते हैं रुंधन अंबु भूतश्चमत्कृति पर, कि आकाश का वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, आकाश में जो काले काले मेघ है, जलयुक्त मेघ है, कृष्ण की वेणुनाद श्रवण करके वो स्थिर हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है। और जो गंधर्वों के सर्वश्रेष्ठ गायक श्री तुम्बुरु जी हैं वो भी विस्मित हो जाते हैं कि भैया इतना सुंदर शब्द कहाँ से आ रहा है, मैं स्वयं संगीतकार हूं, मैं गंधर्वों का मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन मैंने भी इतना सुंदर शब्द तो कभी सुना नहीं। विस्मापयन वेदसम, ब्रह्मा जी जो सभी वेदों का गान करते हैं उनके हृदय भी चंचल हो जाता है। सुतल लोक में विराजमान बलि महाराज उनके हृदय भी बड़ा चंचल हो जाता है, उनके हृदय में भी अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। और जो चतुसन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि चतुसन है, इन चारों भी बड़े विस्मित हो जाते हैं कि ये सुंदर ध्वनि कहाँ से आ रही है। जो अनंत देव पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर एक सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं वो अनंत देव का भी माथा डोलने लगता है, ये पृथ्वी पूरी डगमगाने लगती है, ये वंशी ध्वनि तो सर्वत्र जाकर ऐसी उतल फुतल मजा देती है जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप गोस्वामी पाद इतना सुंदर वर्णन करते हैं अपने नाटक में। इसलिए पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविश गीत गढ़ती, कि वृंदावन की इतनी अपूर्व शोभा है, कृष्ण ने और सभी अवतारों के अंदर पादुका धारण करी थी, यद्यपि रतन सिंहासन पर विराजमान रहेंगे या फिर गरुड़ की पीठ के ऊपर और जरूर पादुका धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण एकमात्र वृंदावन भूमि की ही इतनी सुंदर शोभा है कि कृष्ण ने कभी पादुका धारण नहीं करी, कृष्ण ने कभी पादुका धारण नहीं करी। एक समय मैया ने कृष्ण के लिए पादुका और छतरी तैयार करी, बोले कृष्ण ये पहन लो और ये छतरी अपने साथ में ले जाना, क्योंकि तुम जगह जगह जाते हो इस धूप के कारण तुम्हें तुम्हारे शरीर को पीड़ा होगी। कृष्ण कहने लगे बोले मैया हम ग्वाला हैं, हम ग्वाला हैं और गैया ही हमारा मूल धन है,
अगर आप मुझे चाहती हो जूते पादुका और छतरी पहनाना तो आप क्या करो हमारी 9 लाख गैया के लिए सबके लिए भी 4-4 जूते और 1-1 छतरी तैयार कर दो। तो इसीलिए कृष्ण केवल मात्र वृंदावन भूमि में ही नंगे पैर चलते हुए बिना पादुका के चलते हुए उनके चरण में जो अंकुश वज्र ध्वज इत्यादि चिन्ह है वो सुंदर सुंदर चिन्ह वृंदावन भूमि पर पड़े हैं और कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त करके वृंदावन भूमि की इतनी अपूर्व शोभा हो गई है जैसे वृंदावन भूमि घास जो है ना कहते हैं टीकाकार लोग कि वृंदावन भूमि के मानो रोंगटे खड़े हो गए हो, ये घास नहीं ये साक्षात वृंदावन भूमि के रोंगटे खड़े हो गए हो। और जो वहां से झरने इत्यादि बह रहे हैं कहते हैं वृंदावन भूमि अश्रुपात करते करते कृष्ण के चरण स्पर्श से इतनी आनंदित हो रही है। इसलिए वृंदावन्यम शपद रमणम अपने चरण से कृष्ण ने वृंदावन भूमि की और शोभा बढ़ा दी और गीत कीर्ति जो सारे सखा लोग हैं वो कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर गीत कीर्ति उनका गान उनकी कीर्ति का बखान करते जा रहे हैं। जानते हो कृष्ण ने इस असुर को मार दिया, जानते हो हमारे कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया था, जानते हो कृष्ण कितना सुंदर नृत्य भंगिमा में चल रहे हैं, कृष्ण के पराक्रम कृष्ण के सुंदर सुंदर उनकी कीर्ति का गान करते करते सब वन में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पांचाकल कृष्ण के पास सिंधु देव है जिनका नाम पावन है बोलोगे आ जा पढ़ा कि नहीं आ जा 5 मिनट बोलो फटाफट जल्दी आ कृपा सिंधु पावन अभी प्रभु जी ने कितना सुंदर प्रथम सुनाया वेणु गीत का कि वृंदावन भूमि का वो भूमि ये धराधाम की नहीं है, वो भूमि स्वयं गोलोक वृंदावन की भूमि है। आज हम जिस भूमि में विचरण करते हैं हम जड़ जीव वे इस धराधाम पर विचरण कर रहे हैं, परंतु जो रसिक लोग हैं वे आज भी उसी भूमि पर उसी गोलोक वृंदावन का अनुभव करते हैं। जैसे हमारे साक्षात वृंदावन की भूमि का अनुभव करते थे। उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन करते थे या कोई भी कुछ करते थे आप कहाँ हो वे उनका एक ही जवाब होता मैं तो वृंदावन की कुंज गली में हूँ, यमुना के किनारे हूँ, वहां पर हूँ। भले कि जहां पर उनसे कुछ भी क्वेश्चन करे कभी भी कि किस जगह है तो वे हमेशा वृंदावन का अनुभव कर ले। और आज हम जो जड़ जीव है हम जो घूमते हैं वे हम क्या देखते हैं ये गंदगी है, यहाँ पर ये स्वर घूम रहे हैं, यहाँ पर नहर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो वो वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन दर्शन नहीं है, नाम वृंदावन में है। उस समय वृंदावन तो दिव्य आप्रकट है। प्रभु जी ने कितना सुंदर वृतान सुना है आप सब लोगों को, आपने उसको सुना भी होगा। तो इसी प्रकार जिस समय पांडव लोग अपने पुत्र प्रपोत्र परीक्षित महाराज को इस धराधाम का राजा बनाकर अपने परलोक गमन चले गए थे तो उस समय जब परीक्षित महाराज अपने सब कार्यों में नियुक्त हो गए और इस पृथ्वी को पूरा जय करने के लिए वे दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, अचंभित दृश्य देखा। क्या कि एक बैल एक पैर पर खड़ा है और एक गाय से संवाद बात कर रहा है। वो बैल कौन है? वो बैल है धर्म। जो धर्म 4 चरणों में होता है तब सूची क्या क्या तपस्या तो 4 होता है तो उसकी 3 चीज खत्म हो चुकी थी। एक ही पैर पर खड़ा था वो
था, एक ही पैर पर खड़ा होकर, तो धर्म रूप और जो पृथ्वी थी, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया होता तो उनसे संवाद कर रहा था। तो उनसे क्वेश्चन क्या करता है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन करता है कि क्या कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। वो गाय माता इतनी दुखी थी कि उसका सारा शरीर, उसके जो मुखारवंद था और सो से भीगा हुआ था, कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो यहाँ पर अब असत्य, दुर्व्यवहार, ऋषियों का धर्म ना करना और स्त्री पुरुष का आपस में पर स्त्री पर पुरुष संग होना, क्या इस बात से दुखी हो तुम, क्या इस बात से दुखी हो कि जो आने वाले राजा होंगे वे इस धरती को धर्मपूर्वक नहीं चला पाएंगे, या इस बात से दुखी हो कि जो इस सुंदरता भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर जिनके रहते हुए इस धराधाम पर जो सुंदरता थी वो यहाँ से लुप्त हो जाएगी, उस बात से दुखी हो। ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि पृथ्वी से कि ये किस समय का वृतांत है, कि तुम क्यों दुखी हो इतनी। तो फिर गौ माता बताती है कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर अपने चरण चिन्हों से विचरण करते हुए मेरी शोभा को वर्धित कर रहे थे, मेरी शोभा से जितने भी देवता लोग थे उनकी भी शोभा तिरस्कृत हो रही थी, वो शोभा आज मेरे से लुप्त होती जा रही है, मैं इसलिए चिंतित हो रही हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तो जब वे चलते थे, प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया कि जब चलते थे जो उनके पैरों में चिन्ह थे, चक्र, ध्वज, जो शंख और बहुत सारे 19 प्रकार के चिन्ह, तो वे सब पृथ्वी पर सजते थे। तो जैसे जिस पृथ्वी की जो सुंदरता थी और वृद्धित होती थी, जिससे देवता का सौंदर्य भी लज्जित होता था, तो वही गौ माता कह रही है कि वो अब धीरे धीरे मेरा छीन होता जा रहा है, मैं इस कारण चिंतित हूँ कि जो जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे उस समय यहाँ पर दया, तपस्या, धर्म सभी कुछ हो रहा था, परंतु जो अब आने वाला समय है या जो समय चल रहा है ये अब सब कुछ नाश की तरफ चल रहा है। कोई भी धर्म नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, कोई भी राजा ऐसे नहीं होगा कि जो इस प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे, मैं इस प्रकार चिंतित हो रही हूँ। तो इस प्रकार उनका वृतांत सुनते सुनते वहाँ पर प्रक्षित महाराज आए और उन्होंने उनका ऐसा वृतांत सुनकर बहुत चिंतित हुए। तो उन्होंने एक और दृश्य देखा कि वहीं पर एक और जो शूद्र, एक शूद्र राजा का रूप धारण कर तो उस बैल के चौथे पैर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने उसे पूछा कि हे तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कली हूँ। वो तुम इसको क्यों तोड़ रहे हो, तुम मेरे राज्य में ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरा ये धर्म है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, कि तुम कैसा धर्म है, तुमने मेरे से आज्ञा ली कि सर्वत मेरा राज्य है, तुम इससे पहले मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो जब परीक्षित महाराज ने अपना प्रताप दिखाकर उसको मारना चाहा, तो उन्होंने फिर उनसे अपने लिए, उनके राज्य में रहने के लिए शरण मांगी। अगर बोलना चाहते ठीक है, ठाकुर भगवान कीर्तन करते थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दो मिनट सुनो, मैं एक दो मिनट सुना। हाँ, ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद को उनका शिष्यों ने अलग अलग समय में तरह तरह का प्रश्न किया है, वो प्रश्न का उत्तर जो दिया है ये ग्रंथ है। प्रभुपाद क्या क्या किस प्रश्न का और क्या उत्तर दिया है, इसमें एक प्रश्न है चित्त स्थिर करवार सहज उपाय की, मतलब कभी कभी देखना हमारी चित्त में चंचलता आ जाती है, चित्त को शांति नहीं मिलती, मन बड़ा भटकता है। तो वो कहते हैं जो ये मन भटकती मन को सबसे सरल उपाय क्या है ये भटकते हुए मन को शांति करने का। तो इसका उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र नाम संकीर्तन द्वारा ही मन निग्रित होते पारे। तो हम लोग बहुत तरह तरह से कोशिश करते हैं,
ये भटकते हुए मन को स्थान करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी उपाय कर दो सारा दुनिया की, ये मन का जो भटकता कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये खत्म हो सकती है अगर कोई भगवान के नाम संकीर्तन करे, तो तभी ये भटकता हुआ मन को शांति मिलेगी। इसलिए देखो हनुमान को शांति है, क्योंकि दिन रात रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। शंकर जी पंचमुख राम नाम गान के पुजारी, शंकर भी पंचमुख राम का नाम करते हैं। माता पार्वती अभी माला जब माला लेकर के शंकर जी कहते पार्वती है राम रामेति रामेति राम रम मन रमे सहस्र नाम आभिशुल्लम श्री राम नाम बरानन। ये श्रेष्ठ पार्वती, ये सुंदरी पार्वती, प्रभु का नाम से ही तुमको शांति मिलेगी। इसलिए वो भी माला जप करती है। ब्रह्मा जी को देखो, सरस्वती को देखो, सब भगवान के नाम जप करते हैं। इनकी बात छोड़ दो, भगवान भगवान का नाम करते हैं। भगवान भी कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, कहते भगवान राम भी अपना नाम की गुण को ठाकुर भी बता नहीं सकते है। इसलिए जो महामंत्र है किसकी मुंह से सबसे पहले निकली, राधा रानी के मुंह से ये मंत्र निकली थी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री वृंदावन में जो इमली तला है वहीं पर बैठ करके जमुना को सामने इमली तला के नीचे बैठ करके ये हरे कृष्ण महामंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ठाकुर भी नाम स्वयं जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कर्म ज्ञान योगादि, जो कोई कहते ना हरे मेडिटेशन कर हैं कब तक 5-10 मिनट कर, उसके बाद फिर कार्य आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, मेडिटेशन 10 मिनट आधा घंटा कर, उसके बाद में मन पर बैठ गया कि नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सहने की भजन की बात जागरण अहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने। भगवान कहते हैं सोते उठते बैठते चलते क्या करो, ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान खुद कहते हैं यह एक सर्व सिद्धि है वे सवार, अगर तुम भगवान का नाम मेरे नाम लोगे तो तुमको सर्व सिद्धि मिलेगी। इसलिए नाम चिंता में जो मांगोगे वही मिलेगा। सर्व सिद्धि मतलब भगवत प्रेम व भगवत प्राप्ति, इसी नाम से ही सब कुछ होगा, इसी नाम से। इसलिए जो व्यक्ति कर्म को द्वारा ज्ञान को द्वारा कहते योग को द्वारा मन को थोड़ी समय के लिए तो शांत करना चाहते, उसके बाद फिर मन अशांत है। इसलिए यहाँ पर देखते प्रतिक्रिया अनयन करे अधिक अतर चांचल्य सागर पतित है, बल्कि भगवान के नाम को छोड़ करके जो दूसरे उपाय को अवलंबन करते हैं मन शांत की तो बात छोड़ दो और मन चंचलता आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर ये चंचल मन को शांत करना चाहते हो हैं, तो सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम को जप करो, हर समय हरि नाम जप करो। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं हरि नाम करने से क्या होगा, चेत और दर्पण मान कर तुम्हारी चित्तरूपी जो शीशा है वो साफ हो जाएगी। भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का जितने दुख कष्ट है सबके सब शांत हो जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका विकरणम, उदाहरण देते हैं जैसे चंद्रमा का किरण से एक कुमुदिनी होती है रात में फूल खिलती है, कि भगवान रूपी नाम रूपी अगर किरण तुम्हारे हृदय रूपी फूल को पड़ेगा तो तुम्हारे हृदय भी खिल जाएगा। विद्या वधु जीवनम, कहते विद्या रूपी वधु का जीवन किया है, बोले भगवान का नाम है। मतलब किया हम जो विद्या पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं उसका सार्थकता क्या है, भगवान के नाम से। इसलिए महाप्रभु केशव का स्मृत को क्या बोले, जो बड़े विद्वान था सरस्वती स्वयं जिनको जीवा में बैठ करके स्वयं बात कर सारा दुनिया को पराजय करते भी आए, लेकिन केवल महाप्रभु के पास में एकदम महाप्रभु को परास्त कर दिया। तब स्वयं भगवान कहते हैं बताओ ये देह छाड़िया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगा कौन सा विद्या डिग्री तेरे साथ में जाएगी, कुछ भी साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए हे इतने तो महान तो तुम्हें सर्व परिहरि, जो जगत में जिसकी मोह अंत हो गया है सब कुछ छोड़ कर क्या करो, भगवान के नाम को जप करो। इसलिए अंतिम समय में भी यही बोलेंगे
राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते हैं सब कोई बात उठाए। इसलिए अंतिम समय में यही बोलेंगे, इसलिए तो प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, भगवान के नाम करने से हर समय एक नई 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 आनंद की प्राप्ति होगी। एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण प्रेम भक्ति रस सागर में डूब जाओगे तुम, भगवान खुद कहते। इसलिए कहते सबसे सरल उपाय है चित्त को स्थिर करने का, ये हरे कृष्ण महामंत्र को शंकर जी स्वयं कहते हैं। पार्वती को बोले पार्वती इति षोडशत नाम्नम कलि कल्मष नाशनम नात परत उपाय सर्व विदेश दिश्यते। हे पार्वती, कलिजुग का जो पाप को नष्ट करने के लिए ये जो 16 नाम 32 अक्षर ही कलिजुग का कल्मष को नाश करेगा, और कोई उपाय नहीं। ये शंकर पार्वती को भी यही बात कहते। इसलिए क्या करो, उठते बैठते सोते हरि नाम जपा करो, इसी से ही हमारी कल्याण होगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन की जय, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय गौर ब्रह्मानंद हरे I know.